हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन एंड वेलकम टू बायोलॉजी इन मिनट्स विद दीपाली मैडम। आज की वीडियो में हम बिल्कुल जनरल टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, लाइक आपकी स्ट्रैटेजी को लेके कि हमें स्ट्रैटेजी क्यों बनानी चाहिए, क्यों हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, क्यों हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए, क्यों टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ सेट करना चाहिए कि हमें किस टाइम पे क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, क्यों हम बोलते हैं कि हमारा गोल सेट ताकि माइंड मैप बिल्कुल क्लियर रहे, माइंड मैप बना रहे कि हमें किस सब्जेक्ट को कितने दिन में कवर करना है, क्या टाइम लिमिट है, किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक, ताकि कोई मिक्सअप ना हो, सब कुछ आपका क्लियर रहे कि कितने सब्जेक्ट आपको, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको किस किस दिन पढ़ने हैं और उन सब्जेक्ट के उन टॉपिक्स के आपके पास क्या क्या टाइम लिमिट है कि मुझे इतने दिन में ये कवर करना, इतने दिन में ये कवर करना। ऐसा ना हो कि जब आप पढ़ने बैठे तो एकदम कंफ्यूजिंग लेवल रहे कि ये सब्जेक्ट भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, यार ये तो मुझे आता नहीं है, इस सब्जेक्ट की तो मैंने क्लासेस ही अटेंड नहीं की, इस तरीके का कन्फ्यूजन आपके पास ना रहे। आपके पास सारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मुझे इतने टॉपिक्स, इतने सब्जेक्ट इतने दिन में कवर करने हैं, क्योंकि हम जब भी पढ़ने बैठते हैं तो बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। इस तरीके से होनी चाहिए ताकि सब कुछ क्लियर रहे कि कौन कौन से सब्जेक्ट कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं, क्या क्या सोर्सेज होने चाहिए, अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आपको उसके बाद आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना चाहिए। लाइक सबसे पहले आपने एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी से आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप रेफरेंस बुक पे गए, रेफरेंस बुक भी आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी रेफरेंस बुक को यूज़ करना है ना। ऐसे नहीं कि इस बुक से भी पढ़ लिया, उस रेफरेंस बुक से भी पढ़ लिया, इससे भी पढ़ लिया, कुछ भी समझ नहीं आया, तो सब कुछ आपको पहले से ही पता होना चाहिए, पहले से ही स्ट्रैटेजी बना के रखनी चाहिए कि मुझे कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ से यूज़ करनी है। लाइक फिजिक्स के लिए कौन सी रेफरेंस बुक का यूज़ करना है, केमिस्ट्री के लिए कौन सी रेफरेंस बुक का यूज़ करना, ठीक है। अगर आपको रेफरेंस बुक से भी समझ नहीं आता है तो देन आप जाओगे अपने यूट्यूब वीडियोस पे, वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करोगे। सब कुछ एक माइंड मैप बना होना चाहिए ताकि आपको इजी रहे सब कुछ स्टेप्स को फॉलो करने में। सेकंड, टाइम टेबल, कि हमें टाइम टेबल क्यों बनाना चाहिए, क्यों हम टाइम टेबल बनाते हैं, क्यों हमें टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए। तो टाइम टेबल बेसिकली हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा पूरा दिन मैनेज रहे, हमें आइडिया लगा रहे, हमें पता रहे कि हमें इस टाइम पे ये काम करना है, टाइम पे उठना है, इस टाइम पे हमें अपना स्कूल होमवर्क करना है, इस टाइम पे हमारे कोचिंग है, इस टाइम पे हमें अपना सेल्फ स्टडी करना है, पूरा दिन आपका मैनेज रहे और इसी तरीके से आपका डे पूरा प्रोडक्टिव बन जाए। टाइम टेबल होगा तो हमें आइडिया लगा रहेगा कि हाँ हमें इस टाइम पे सो के उठना है और फर्स्ट स्लॉट मेरा ये होना है, मुझे इस दिन पे ये सब्जेक्ट को कवर करना है, इतने घंटे में मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं, सेकंड स्लॉट आपका कब स्टार्ट होगा, ताकि आपको आइडिया रहे, आप उस टाइम पे फ्री रहें सिर्फ पढ़ने के लिए, है ना, दूसरा काम उस टाइम पे आप ना करें। थर्ड, आपका गोल, है ना, कि हमें गोल क्यों सेलेक्ट करना चाहिए। बहुत लोगों से आपने सुना भी होगा, बहुत लोगों ने आपसे पूछा होगा कि आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है, है ना। आखिर आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ क्यों रहे हैं, राइट, कि हम इतनी जल्दी सुबह उठ के पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अगर आपको आपका एम पता रहेगा तभी तो आपका डे पूरा प्रोडक्टिव बनेगा, आपका पूरा स्टडी सेशन जो आप लगाते हो वो बहुत अच्छे से लगा पाओगे। लाइक आपको डॉक्टर बनना है, अगर डॉक्टर बनना है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग तो मेहनत करनी होगी ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको सेशंस लगाने होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा। जिन भी स्टूडेंट का गोल सेट नहीं हो पाता है, उन्हीं स्टूडेंट का पूरा पढ़ाई सिस्टम भी सेट नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले आपको अपने टाइम टेबल, स्ट्रैटेजी, गोल इन सबको सिलेक्ट करें। एंड गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। And again, guys, Happy New Year!